वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई है। पंजाब हुकूमत के इंतजामी अमूर, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और वज़रा की कारकर्दगी पर गुफ्तगू की है। फयाजुल हसन चौहान के इस्तीफ़ा के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। शेख रशीद भी मुलाकात के लिए ऐवान वज़ीर आला पहुँच गए हैं। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा आकिब तनवीर से। जी आकिब, बताइएगा तफसीलात। जी जैनब, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान चौके ऐवान वज़ीर आला पहुँच चुके हैं, तो उससे कबल ही शेख रशीद वफाकी वज़ीर रेलवे भी यहाँ पे पहुँचे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल भी किया गया है, और अब उनकी जो वन टू वन मुलाकात है वो भी शुरू हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से जो नेशनल एक्शन प्लान था, इसके साथ साथ जो सूरत हाल है, इंतजामी अमूर है पंजाब के, उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह भी किया गया है। जो साबिक सूबाई वज़ीर इत्तला'आत फयाज़ुल हसन चौहान, उनका इस्तीफ़ा और उसके बाद की जो सूरत हाल थी उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से बताया गया है कि जो वज़रा की कारकर्दगी है, जो रिपोर्ट है, वो भी पेश की गई है, और जो भी सियासी सूरत हाल है, जो मामला चल रहे हैं, जो इकदाम किए जा रहे थे, ख़ासतौर पर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो इकदाम किए गए, उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आगाह किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट थी उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। अभी जो वज़रा की जानिब से जो जो काम किया गया, क्योंकि वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़े तौर पे हिदायत जारी की गई थी कि वज़रा अपना एक तो दिन रात काम करें और अपने अपने महकमों के जो काम है उसको मुकम्मल भी करें, और जो भी वज़ीर सुस्ती दिखाएगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। और इसका सबसे पहली जो कार्रवाई वो फयाज़ुल हसन चौहान जो कि सूबाई वज़ीर इत्तला'आत और सकाफ़त थे उनके खिलाफ भी हुई, तो उसके बाद से उन्होंने इंदिया भी दिया था। वज़रा भी खासे इस हवाले से परेशान भी थे, उनकी जानिब से अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है उसको बेहतर बनाने के लिए भी के हवाले से ब्रीफ भी किया जा रहा है।